खिलाते हैं, इधर सैलेड है, इधर और सैलेड है। ये देख रहे हैं आप सामने बहुत ही सुंदर राम की पैड़ी में, बड़ी गाड़ियां तो परमिशन नहीं है। हमारे रेलवे स्टेशन का भी है और अब ये देखिए जी, कोई भी दे दो यार अपने मन से दे दो। धन्यवाद। तो मित्रों सुबह हो गई है, समय देखिए 5:47। अभी बड़ा गांव स्थित छोटे से स्टेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं और सुबह ऊपर होने वाली है। आप देख सकते हैं सुबह होने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर आपको सुबह सुबह नॉक करा करके, अब जैसे समय आपको मैंने दिखाया 5:48 हो रहा है और नॉक किया जाता है और गेट खोल के आपको फिर सुबह सुबह की जो चाय और बिस्किट आदि है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो मित्रों जैसा कि आप देख सकते हैं ये सुबह सुबह हमें जो एक यूनिबिक की जो मिल्क कुकीज़ हैं बिस्किट वो हमें दिया जाता है, साथ में चाय कॉफ़ी आदि का ऑप्शन होता है, जो आप चाहें तो वो आप अपने अकॉर्डिंग पसंद कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इस समय हम अयोध्या लगभग पहुँच चुके हैं, फैजाबाद जो हिस्सा है अयोध्या कैंट वाला वो हिस्सा आ चुका है और अब हम अयोध्या आने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग को सुबह सुबह चाय सर हो चुकी है और चाय आदि पी करके अब हम फ्रेशन अप होंगे और उसके बाद क्योंकि 7 बजे तक अयोध्या में हमें पहुंच जाना है और आगे का जो कि कार्यक्रम वो आरंभ हो जाएगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है लिखा हुआ अयोध्या कैंट, अर्थात अब हम अयोध्या आ चुके हैं। जय श्री राम मित्रों, सुप्रभात। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम प्लेटफॉर्म पर, और ये प्लेटफॉर्म में अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन है। जी हाँ, अयोध्या अर्थात श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या। और इस ट्रेन पर हमारे जो डे 1 है दिल्ली के पश्चात, जो पहला जो टूरिस्ट जितने भी घूमने का जो दिन स्टार्ट होता है जो हमारा वो होता है डे 2 से, और डे 2 का जो कि मॉर्निंग अर्थात सुप्रभात हमारा यहाँ पर हो चुका है। और देख सकते हैं आप इस समय सुबह का समय है, काफ़ी प्रातःकालीन समय है और इस समय काफ़ी यहाँ पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। और अयोध्या जंक्शन का एक बोर्ड यहाँ पर अयोध्या कैंट का यहाँ पर थोड़ा गिरा हुआ है और यहाँ पर हमारे ट्रेन का होगा स्थापना, और मतलब कहें तो यहाँ पर हमारी ट्रेन रुकेगी और ये पहला स्टॉपेज है जहाँ पर हमारी ट्रेन रुकेगी और यहीं से हमारा जो पहला दर्शन आदि का जो आयोजन है वो आरंभ हो जाएगा। तो ये है अयोध्या कैंट और अयोध्या कैंट से अब यहाँ हमारी ट्रेन रुकेगी और यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे होटल की ओर और होटल पर हमारा होगा स्टॉपेज और वहाँ पर हम ऐसे तो फ्रेश एंड अप, नहाना धोना सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था है, परंतु अयोध्या में होटल की भी सुविधा यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर होटल में आप पहुँच करके नहा धो करके अच्छे से रेडी होकर के आप आगे के लिए और प्रस्थान करेंगे, जो होगा दर्शन जन्मभूमि हनुमानगढ़ी सरयू नदी आदि के दर्शन और पूजन के जो अवसर हैं वो आपको अब इस ट्रेन के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो दिन का करते हैं आरंभ और चलते हैं आगे। हर हर महादेव, जय श्री राम। बीच बीच में इस तरह से अनाउंसमेंट भी होता था कि आपको यात्रा की भी जानकारी मिल सके। तो मित्रों सुबह हो चुकी है और जैसा कि आप देख सकते हैं समय की बात करूं तो इस समय 7 बज चुके हैं और देख सकते हैं जैसा कि सुबह का नाश्ता हमारा खाने का समय हो चुका है और बड़े तेज़ी से सर्व हो रहा है, जितने भी लोग आ रहे हैं खा रहे हैं, अब हम भी आ चुके हैं और अब हम करते हैं नाश्ता। अब नाश्ता का समय हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, कॉर्नफ्लेक्स है और उसके बाद दही आदि सर्व हो चुका है और हमें मिलेगा कटलेट। अब पांडे जी बड़ा प्यार से हमें सर्व करते हैं पांडे जी, और देखिए कटलेट और जो आलू के पराठे
और दही है, अचार है, उसके साथ बटर है इधर। ये देखिए बटर है, आप चाहें तो इनके साथ खा सकते हैं। और एक ब्रेड भी है, आप ये देखिए इस प्रकार से हेल्दी ब्राउन ब्रेड हमें खाने को मिलता है। तो चलिए अब अपने नाश्ते का हम करते हैं शुभारंभ। और जय श्री राम के साथ अयोध्या में हमारा होता है पहले भोजन का आरंभ। सो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि हमें ब्रेड भी मिला है, ब्रेड भी ऐसा कोई नॉर्मल है, ये हेल्दी ब्राउन ब्रेड है। और देखिए आइटम्स बढ़ते जा रहे हैं, आप देखिए इधर छाछ आ गया, इधर कॉफ़ी का ऑप्शन है, कॉफ़ी भी हमें एक्स्ट्रा मिल्क के साथ मिल रही है। अभी बस पानी आएगा और फिर कॉफ़ी बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो ब्रेड है वो ब्राउन ब्रेड है, और ब्राउन ब्रेड में अब हम बटर लगा करके बड़े आराम से मस्त से अब हमारा होगा नाश्ता। तो मित्रों जैसा कि देख रहे हैं, अब हम यहां से चेकआउट कर रहे हैं, अपने ट्रेन से कहें तो डिवोट कर रहे हैं। और अब हमारे जो कि अगला स्टॉप होगा यहां से सीधा सरयू जी का, अर्थात राम की पैड़ी पर अब हम पहुंच रहे हैं। रही बात यहां से हमें आगे राम की पैड़ी के स्नान के पश्चात होटल की सुविधा भी दी गई है, कैसा होगा वो होटल, कैसे क्या व्यवस्था होगी आगे, वो भी दिखलाऊंगा। बहरहाल अभी यहां पर एक ऑप्शन में आपको और डिटेल बता दूं कि यहां पर कहा गया है साफ साफ कि आप अपने जो मोटे और बड़े सामान हैं वो यहीं ट्रेन में छोड़ दें, क्योंकि ये सेफेस्ट रूट होता है और आपको जो कि आगे की जर्नी है उसमें करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन हमने चूँकि छोटा बैग नहीं था तो हमने तो अपना सामान ले लिया, क्योंकि आगे हम लोग को बहुत काम आता है, इस वजह से हम अपना बैग ले लिया। और जनरली सभी लोग अपने अपने बैग को यहीं पर रख दिए हैं। और जो हमारा जो अगला स्टॉप होगा अभी आगे का, यहाँ से हमारे लिए गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों के माध्यम से बैठ के अब हम आगे राम की पैड़ी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, जिसे कि पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। और अब हम यहाँ से बढ़ेंगे मुख्य अयोध्या अर्थात अयोध्या धाम की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज़ और बता दूँ, कपड़े चूँकि आप कल से देख रहे होंगे, अब जब होटल पहुँचेंगे तो अब आप मुझे फ्रेश न्यू लुक में देखेंगे। तो मित्रों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, और यहाँ से अब हम बाहर आते हैं और हमारा जो है कि बस हमारे लिए तैयार है। बस कई सारी है, 1, 2, 3, 4 करके, और हमारी जो बस नंबर है वो है 4। तो 4 नंबर का मेरी वो बस है, आप जैसा कि देख सकते हैं वाइट वाली टूरिस्ट, जिसके आगे लिखा हुआ है। और इस बस के माध्यम से अब हम मुख्य अयोध्या धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों यही सारे बसें हैं, और एक ट्रैवलर है और एक छोटी कार भी है। तो ये सारे आप जैसे देखिए, यहाँ पर आपको स्वागत के लिए और आपको इंडिकेट करने के लिए बताया जाता रहता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है, तो जिसको आपको व्हाट्सएप और अनाउंसमेंट में बता दिया जाता है कि आपको कौन सी गाड़ी आपके लिए अलॉट होगी, बस अलॉट होगा, तो वो उसके अनुसार आप अपने अपने हम लोग बस में बैठते हैं। जैसे कि हमारा 4 है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो अब हम 4 वाले में एंट्री करते हैं। तो मित्रों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है बस का अंदर का व्यवस्था, और इस प्रकार से हमें बस ले आने और बैठने का अवसर मिलता है। और इस बस की बात करें तो एक एक बस में लगभग 50 की संख्या में जो टूरिस्ट है वो बैठ सकते हैं। और इस प्रकार से हमें बैठने के बाद अब हम आगे, इस जैसा कि आप देख सकते हैं अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन है, ऊपर दिख रहा है आपको बोर्ड, और यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, समय की बात करें तो 8:13, और अब हमारी जो बस है वो यहाँ से निकल चुकी है, और बस हमारी सीधे पहुँचेगी सरयू जी नया घाट पे, राम की पैड़ी के पास, और वहाँ से फिर अब हमारा आगे का कार्य। तो देख सकते हैं मित्रों, हमारी जो बस है वो आ चुकी है, और सामने आपको दिख रहा है धर्मपथ और श्री राम जी का, आपको एक स्टैचू भी यहीं पर से, आगमन यहां पर हमारे हो चुका है, और यहां से हमें हो रहे हैं राम जी के दर्शन अयोध्या में, अयोध्या आगमन पर ही। और अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे बस से अगले स्टेप पर। एक एक लोग उतर रहे बाहर, हम पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देनी, उसके लिए रोका जा रहा है। तो मित्रों हमारी जो है कि बस से निकलने के बाद, चूँकि अंदर अयोध्या में बड़ी गाड़ियों को परमिशन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से छोटी गाड़ियों में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है धर्मपथ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं नया घाट सरयू जी की ओर, और ये है वर्तमान परिस्थिति और दृश्य। तो देख सकते हैं यहाँ पर है बड़ा बस पार्किंग, बस स्टॉप देख सकते हैं यहाँ का अयोध्या में, और यहाँ से जस्ट आरंभ होता है धर्मपथ। और इस धर्मपथ को आप अयोध्या का आगमन और एक तरह से प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं, और उसको इसी प्रकार से सजाया और संवारा भी गया है। इसका जो पूरा निर्माण है आप देख सकते हैं,
सूर्य स्तंभ लगे हैं और आगे लिखा यतो धर्म सततो जयः। तो चलिए मित्रों, अब धर्म चौक सूर्य चौक से अब हम आगे बढ़ते हैं सीधा इस जो सूर्य जी का जो आप रथ देख रहे हैं, इस रथ के नीचे से जो प्रवेश द्वार है यहाँ से अब हमारी एंट्री होगी सीधा धर्म पथ पर। यहाँ से आरंभ हो जाता है धर्म पथ। तो मित्रों, दिन का एक अगला पड़ाव हमारा आ चुका है। यहाँ पर अब हम टोटो से एग्जिट मारेंगे और यहाँ पर बाकी की जो प्रस्थान है आगे के स्थल पे करेंगे। स्थान की विशेष जानकारी दे दो कि ये क्वीन हुई मेमोरियल पार्क है और ये है जस्ट राम घाट, राम की पैड़ी और नया घाट चौराहे के पास में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम आ चुके हैं अपनी पूरी की पूरी हमारे भारत गौरव यात्रा के जो पैसेंजर्स हैं सबके साथ हम आ चुके हैं। यहाँ जो आप पीछे पढ़ सकते हैं, बाबा लोहा लंगड़ी दास महंत जी का आश्रम है और साथ में आपको सामने दिख रहा है सरयू जी। तो ये देखिए मित्रों, यहाँ पर वाटर मेट्रो भी आप देखिए लगी हुई है और ये वाटर मेट्रो का अभी तो सर्विस बंद है चूंकि पानी बहुत ज़्यादा है। और इस वाटर मेट्रो का खासियत ये है कि आप इसमें काफ़ी तीव्र गति से और एक तरह से टैक्सी का वाला जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं और ये आपको अयोध्या में मिलती है। और ये जस्ट अभी देखिए जो नया घाट पुल है उसी के पास में यहाँ पर लगी है। तो फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं, हमारा जो कि राम की पैड़ी से टोटोज के माध्यम से अब हम वापस आ चुके हैं और हमारा बस यहाँ पर खड़ा है। जिस बस से हमने यहाँ पर उतर करके टोटो में चढ़े थे, हमें वापस अपनी वही 4 नंबर वाली बस में चढ़ना है और यहाँ से अब हम चलेंगे सीधे अपने होटल में और आपको दिखाते हैं कि हमारा होटल कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बाहर निकल रहे हैं अपने बस से और हमारा जो है आज स्टे इसी में है और ये देख सकते हैं अयोध्या का सबसे बड़ा आप होटल कह लें या फिर मॉल कह लें यही है और इसका नाम है मॉल ऑफ अवध और इस होटल का नाम आप देख सकते हैं द होटल अवध क्लासियो। और इसी होटल में हमारा जो है कि आज स्टे है। बस हमारी देख रहे हैं कि बस से हम आ चुके हैं और इस होटल में हमारा आज अभी कुछ जो लगभग 2 घंटे के ऑलमोस्ट आसपास हम जो है कि स्टे करेंगे, फ्रेशन अप होकर फिर मंदिर के लिए निकलेंगे। तो चलिए अब अंदर देखते हैं और दिखलाते हैं कि कैसा होटल और कैसी रूम आदि की व्यवस्था है। तो चलिए अब करते हैं अंदर होटल के प्रवेश। तो देख सकते हैं ये है मॉल और यहाँ पर अब हम लोग का जो होटल का रिसेप्शन है वो इस साइड में है, हाउस ऑफ अवध यहाँ पर लिखा हुआ है और इसका जो आपको देखने को मिलेगा रिसेप्शन वो कुछ इस प्रकार से है। सब कुछ एक ही में है, कुछ जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर है रिसेप्शन। देख सकते हैं ये है हमारे रूम का की जिसका कि नंबर है 306 और रूम की बात करें तो इधर आप देख सकते हैं इधर 306 मिल रहा है, इधर है 306। तो चलिए अब हम क्योंकि गेट खुला हुआ है ये रूम का की है और इसे डालते हैं अंदर रूम। इधर से लाइट ऑन होता है और अब चलते हैं ये रूम देखने दिखाने का। ये देखिए और सबसे पहले देखते हैं इसका बैग रखता हूँ और इधर देखते हैं क्या है व्यू, अच्छा है बुरा है सब आपके सामने रहेगा। अच्छा, तो ये आपको होटल के बाहर का जो फ्रंट है रोड वाला साइड का ये व्यू वही आपको देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का यहाँ पर जहाँ होटल इसमें हमारा चेकिंग हुआ है और यहाँ पर हमें पूरी रात नहीं बितानी है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं रूम कितना आलीशान है और ये वन ऑफ द बेस्ट होटल है जो कि मेन आपके जो अयोध्या जो मोस्ट क्राउडेड सिटी आप कह सकते हैं एरिया में वो है मॉल ऑफ अवध होटल क्लासियो और ये आपके अयोध्या कैंट फैजाबाद एरिया में पड़ता है। अब मैं आपको दिखलाता हूँ ये रूम, तो आपने देख लिया रूम के जो बाथरूम है, बाथरूम में क्या कैसा फैसिलिटी है अंदर में सुविधाएँ वो दिखलाता हूँ। तो आप देखिए एक कितना बड़ा तो मिरर है जिसमें कि आप नहाते नहाते कबड्डी खेलते हुए अपने आप को देख सकते हैं। यहाँ पे डेंटल किट है, जो शॉवर है, टॉवल है, शेविंग और ये है कमोड सीट और इधर नहाने के लिए अलग से व्यवस्था है, एक सेपरेट जोन है। साथ में आप यदि नहाते हुए अपने आप को देखना और दिखाना चाहें तो आप यहाँ से दूसरे का दर्शन कर और करवा सकते हैं। तो ये व्यवस्था भी यहाँ पर आपको ऐसे होटल के रूम में मिलती है। ये होटल इस प्रकार से हमारा रूम है। तो अब हम करते हैं 2 घंटे का लगभग समय है यहाँ पर, हम फ्रेशन अप होकर चेंज वेंज करके नहा धो के अच्छे से तैयार होकर के अब चलेंगे हम आगे दर्शन की ओर अयोध्या।
बाथरूम के बाद यदि आपको दिखलाऊं तो ये है कबर्ड, बाहर में मिलता है जहाँ पे कपड़े रख सकते हैं, और एक छोटा आपको लॉकर भी दिया जा रहा है जहाँ पर आप सिक्योरिटी के लिए अपना कुछ मूल्यवान वस्तु को रख सकते हैं। और ये इस तरह से पूरा रूम है, रूम आपको रूम के बाहर जब आप एग्जिट की तरफ निकलेंगे तो ये इसकी लॉबी है, और सुंदर है, काफ़ी ठीक ठाक आपको रूम देखने को मिल रहा है, और होटल भी अच्छे में काउंट होती है। इसी के साथ देखिए कुछ और छोटी छोटी, तो ये देखिए कि जो साइड लैंप है वो इस प्रकार से है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने अनुसार, और साथ ही में आपको यहाँ पर मिनी बार भी मिलता है, कह लीजिए तो छोटा फ्रिज जिसमें कि आप अपने सामान बॉटल्स आदि कोल्ड ड्रिंक्स आदि रख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक केटल भी यहाँ पर दिया जा रहा है, आप चाय कॉफ़ी यहाँ पर बना के सकते हैं, और यहाँ पर उससे जुड़े हुए जो सामग्रियाँ हैं वो भी हैं, और यहाँ पर इनका रेस्टोरेंट है तो उसके मेन्यू भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके कि रेट आप यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं जो इनके रेस्टोरेंट है, होटल अवध क्लासी और आर्यन, ये दो रेस्टोरेंट हैं, उनके दोनों के जो रेट्स हैं वो इस प्रकार से हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम हो चुके हैं नहा धो के रेडी, एकदम से चेंज वेंज हो चुका, बहुत समय से लंबा हो गया था समय, वही पुराने कपड़े और एक दो दिन हो गया था क्योंकि लंबा जर्नी करके आया था, फिलहाल अब हम पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, अब रूम में हमने अपना सामान पैक कर लिया और अब हम यहाँ रूम से चेकआउट कर रहे हैं और अब चलेंगे दर्शन करने, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस अब होटल से चेकआउट करके उनको कीज वापस करके अब हम बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो बाहर आ चुके हैं और अब ये जो हमारी बस है इसी में हमें चढ़ना है वापस से, और अब चलते हैं। ये देखिए ये मित्रों सरयू नदी, जहाँ पर अभी थोड़ा सा बाढ़ का प्रवाह अभी है, इस वजह से जल के स्तर ऊपर है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं यहाँ पर होटल रॉयल हेरिटेज, और यहाँ पर हमारी बस आ चुकी है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है हमारा रेस्टोरेंट, यहाँ पर अब हम खाएंगे अपना भोजन, और इस भोजन करने के बाद होता ना भूखे पेट भजन ना भयो गोपाल है, तो अभी चूँकि सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट करके हम ट्रेन में से निकले थे तो अब यहाँ पे कुछ भोजन करेंगे, देन आफ्टर अब हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले करते हैं भोजन और आपको पहले हम दिखाते हैं कि कैसा हमारा खाना इस रेस्टोरेंट में होटल में होने वाला है और ये होटल का एम्बियंस कैसा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी सारी बसें यहाँ पर लग चुकी हैं और अब एक एक करके जितने भी ट्रेन के हमारे पैसेंजर्स थे सब आप देख सकते हैं किस प्रकार से जा रहे हैं अंदर, और इसी प्रकार से हम भी आगे बढ़ रहे हैं अंदर रेस्टोरेंट की ओर। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बूफे सिस्टम अवेलेबल है, और यहाँ पर सभी जितने भी पैसेंजर्स हैं हमारे A to Z सभी लोग को यहाँ पर ला के रखा गया है, और यहाँ पर लोग अपने अपने साधनों से आए हैं और अब खाना खाएंगे। खाना में अब क्या व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं, बूफे है, क्या क्या आइटम है वो देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर नान है, उसके बाद मंचूरियन, और इधर है मिक्स वेज, इधर है कढ़ाई पनीर, इधर है दाल कर्ड, उसके बाद इधर सैलड्स, और आगे बढ़ें तो आपको दिखलाते हैं इधर सैलड है, इधर और सैलड है, देन आफ्टर इधर एक मीठे में आइसक्रीम आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर मुझे भीड़ भी दिख रही है, और उसके बाद आपको यहां पर दाल तड़का, और इधर स्टीम राइस, और इधर है पुलाव, फ्राइड राइस एक्चुअली। तो ये सारे खाने हैं, और उसके बाद सभी लोग इसमें से बूफे सिस्टम है तो चूँकि लेके उसके बाद एक एक करके अपना अपना टेबल पर आ रहे के आराम से खा रहे हैं। तो ये कुछ व्यवस्था है, और अब चलते हैं हम भी अपना भोजन स्टार्ट करते हैं, पहले लेते हैं फिर खाते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो फाइनली मित्रों देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने अपना जो प्लेट है वो भर के ले लिया है, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी से लगी थी, जिसमें कि आप देख सकते हैं मंचूरियन है, पनीर की सब्जी है, मिक्स वेज है, सलाद है, फ्राइड राइस है, पापड़ है, और इधर नान है, और साथ में पानी तो है ही। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये अब हमने खाना फिनिश कर लिया है, और फिनिश करने के बाद ये अब यहाँ पर जो मीठा है डिज़र्ट है उसमें हमें ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जो है, बाकी हम लोग खाने के बाद आइसक्रीम का अलग ही मजा है, आत्मा तृप्त हो जाती है। तो मित्रों हमने अपना कर लिया है अभी का लंच, और अब लंच करने के पश्चात हम अग्रसर होने वाले हैं राम जी के दर्शन के लिए, और जो हमारी बस ये देख रहे हैं इसी बस के माध्यम से हम चलेंगे उस स्थान तक जहां तक बस अलाउड है हमारे अयोध्या में, जहां तक जा सकते, उसके बाद फिर सुबह की तरह हम टोटो अर्थात ई रिक्शा में बैठ कर जाएंगे मंदिर मार्ग के निकट तक, और वहाँ से फिर होगी हमारी दर्शन पथ यानी कि पैदल यात्रा। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सुंदर शिव जी की एक प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है,
तो शिव जी का दर्शन करने के पश्चात अब हम चलते हैं सीधे राम जी की ओर। चलिए तो भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ पर इस समय हनुमानगढ़ी। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है हनुमानगढ़ी, और जो यात्री हैं उन्हें बस के बाद इस प्रकार के ई रिक्शा में बैठ के यहाँ थोड़ा पीछे उतारा जाता है जहाँ तक रिक्शा भी अलाउड होता है, क्योंकि उसके बाद केवल और केवल पदयात्री ही पैदल यात्री ही जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हर तरफ यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी रहती है, तो गाड़ी घोड़े जो हैं कि बाहरी अलाउड नहीं होते हैं। इस वजह से यहाँ से आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा, और सामने आपको दिख रहा है ये है हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी, और यहाँ पर अब हम चलते हैं पहले दर्शन करने। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ी रामपथ मार्ग से, और ये है यहाँ का एंट्री एक तरह से कहें तो हनुमानगढ़ी के लिए। और अब हम यहाँ से अंदर चले, और आप चाहें तो यहाँ पर प्रसाद फूलमाला इससे जुड़े हुए जो सामग्री है उसको ले सकते हैं, और ये एक तरह से कहें तो शॉर्टकट है, क्योंकि जो मुख्य मार्ग है हनुमानगढ़ी का वो तो श्रृंगार हाट से है और वो थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। चलो कि हम सामने वाली गली से आए थे तो यहाँ से शॉर्टकट सीधे निकलेंगे हनुमानगढ़ी के मंदिर के जस्ट सीढ़ियों के बाहर। तो अब चलते हैं आगे। तो मित्रों जैसा कि आप देख रहे हैं ये है इस समय, समय की बात करूं तो कितना बज रहा हो भाई, 3:41 हो रहा है। अब देखो 4:15 दोपहर की भरी जो भीड़ है वो देखिए आप, देख के लगता है कि भाई श्रद्धा के आगे कोई भी बड़ी चुनौती इसे हरा नहीं सकती, जिसके आगे आप देखिए इतनी भारी दोपहर में इतनी तेज धूप में भी आपको यहाँ पर भीड़। अभी क्या मंदिर बंद है क्या, अभी मंदिर बंद है क्या, कितने बजे खुलेगा मंदिर? 5 मिनट। कितनी देर से बंद है? 3 बजे बंद। 3 बजे खुलेगा? तो मित्रों आपको बता सकते हैं कि 3 बजे बंद हुआ है, इस वजह से भी शायद थोड़ी ये जो लाइन है वो ज़्यादा होगी, जैसा कि यहाँ के लोकल के द्वारा में जो पता चला है तो लगभग 40 मिनट से बंद है, और लगभग 5-10 मिनट में अभी मंदिर का जो दर्शन है वो खुल जाएगा। और इस लगभग 1.5 घंटे की जो बीच का ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के कारण से यहाँ पर जो है कि लाइन भक्तों की आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी हो चुकी है, और ये लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे कई संख्या में लाइन्स लगी हुई हैं, रोज़ लगे हुए हैं, और ये इधर कुछ एक्स्ट्रा लोग खड़े हुए हैं, और सामने आपको यहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी आप देख सकते हैं उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं उस ट्राई जंक्शन पर जहाँ पे भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ का संगम होता है, और यहाँ पर आपको अपने लॉकर्स में सामान रखने होते हैं, मोबाइल आदि को, डिजिटल जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है उनको रखने होते हैं, और सामने आपका दर्शन के लिए मंदिर के लिए जाना होता है। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अब हम फटाफट सामान अपने मोबाइल आदि को रख के दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद फिर आएंगे हनुमान जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि हनुमान जी के यहाँ अभी लाइन बहुत लगी थी, मंदिर इस समय वहाँ बंद था, तो हमने सोचा कि उस समय को हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि हमें अभी अपने तय समय के भीतर वापस भी जाना है। तो चलिए अब हम सीधे मोबाइल को रख के दर्शन करने के चलते हैं। जय श्री राम। तो यहाँ पर मित्रों जैसे कोई भी अगर आपके पास मोबाइल के अलावा कोई बैग वैग होगा तो यहाँ पर उसको स्कैनिंग में भेजा जाता है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से अपने सामानों को स्कैन करने के पश्चात आप सीधे आगे बढ़ेंगे दर्शन दीघर की ओर, और सामने एंट्री करेंगे, और इधर साइड में जब आगे बढ़ेंगे तो बस यहाँ पर आप शूज़ ऑफ करिए अपना, यहाँ पर भी शूज़ ऑफ करने का ऑप्शन है, और सामने आपको मिलेगा लॉकर, और लॉकर पे अपने मोबाइल आदि को आप जमा करके आप सीधे आगे दर्शन की ओर बढ़ जाते हैं। तो मित्रों यही है फाइनली वो जगह जहाँ पर आपको अपने मोबाइल आदि को रखना होता है, और यहाँ पर आप इस विंडो में आकर के अपने मोबाइल को रख कर सकते हैं और टोकन जमा करके अपने ले सकते हैं, और फिर वापसी में आपको पीछे साइड से ही मोबाइल मिलती है वापस। हाँ जी मित्रों, तो दर्शन हो गए, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं दर्शन करने के पश्चात हम उस स्थान पर भी हैं जहाँ पर अभी मंदिर का कुछ निर्माण होता हुआ भी हमें दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो द्वार है मंदिर का एक बन रहा है, और यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम यहाँ से गुजर रहे हैं, तो हमें ये भी देखने को मिल रहा है निर्माण कार्य। और आपको बता दो दर्शन बहुत आसानी से हुआ है, और बहुत लंबे समय तक हम आराम से भगवान के सामने खड़े रहे और उनके आशीर्वाद लेते रहे दर्शन करने में। अब इस समय ऐसा कोई बहुत भीड़ वाला सीन नहीं है, जितनी भी भीड़ आ रही है जनता आ रही है सबको 10 मिनट में आप बस ये कि चलते रहना है, 10 मिनट में आप आइए आराम से दर्शन करिए, गर्भगृह में आपको रुकने का भी अवसर मिल जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस समय कुछ इस प्रकार से सुंदर दर्शन हुआ राम जी का, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं हम अभी हनुमान जी के दर्शन के लिए कतार में लगे हुए हैं, और ये है पूरी भीड़, और सामने राम नाम जपिंग हो रहा है, और चलते हैं अब दर्शन करते हैं मंदिर। अब हम आ चुके हैं मित्रों इस समय हनुमानगढ़ी के मुख्य द्वार की ओर, और इतनी सीढ़ियां आपको नीचे से ऊपर चढ़नी होती हैं, और अभी थोड़ा सीढ़ी और ऊपर आगे मिलेगा चढ़ने को होगा, और चढ़ के ऊपर चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करने। जय श्री राम। जय जय
तो मित्रों अब हम दर्शन करके अयोध्या घूम के पूरी तरह से अब आ चुके हैं और अब हमारी जो बस लगी है पीछे, वापस हम अपने बसों में सवार होंगे। 4 नंबर की जो हमारी बस है आप देख सकते हैं, इसमें हम पुनः अपना एंट्री करेंगे और अब सीधा प्रस्थान करेंगे अपने ट्रेन की ओर, जो कि हमारी स्टेशन पर हमारी भारत गौरव ट्रेन खड़ी है। तो मित्रों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बस उधर है और उस बस से हम निकल करके आ चुके हैं अपने अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पे और अब हम यहाँ से करेंगे अंदर एंट्री और एंट्री करते ही हम अपने ट्रेन में एंट्री कर जाएंगे, यानी कि अब हमारा जो कि सारा कुछ होना है ट्रेन के अंदर ही सारे आगे के प्रोग्राम है, आज के खाना से लेकर के सोना और आगे निकलना। अब हमें फिलहाल होटल का काम खत्म हो गया दिन में ही, अब हम चलते सीधे स्टेशन की ओर। तो देखो ये हमारी ट्रेन आके खड़ी चुकी है और अब हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर और इधर से सभी कोई आया है और अब हम हमारी ट्रेन, देखो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आकर के एकदम सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो कूप है, हमारा जो बर्थ है जिसमें कि हमने अपना एक रात गुजारी है, अब वो कैसा है उसमें चल के देखते हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था है अंदर अभी उपलब्ध। जैसा कि मेरा था अभी ये वाला कोच चल रहा है तो अब इसमें हम अंदर चलते हैं। तो जी ये देखो भाई मेरा सामान भी जो था, जैसे एक पेपर जो भी मैंने छोड़े थे वो देखो आप यहाँ पे एकदम वैसे ही पड़े हुए हैं जैसे मैंने यहाँ पर रखा था। और तो बड़ी बात, अब एक चीज़ ये देख नोटिस करो कि आपका जो लिनन है, आपकी जो चादर है, बेडशीट आदि है, उसको बल्कि और सजा दिया जाता है, गंदगी है तो चेंज कर दिया जाता है। ये देखो हम सुबह छोड़ के गए थे, इसको यहाँ पर पूरा से सेट कर दिया गया है, तकिया और ये सेट है, कम जो टॉवल है उसको भी फ्रेश नया रख दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको एक सुविधा है जो कि आप जैसे छोड़ के जाते हो यदि आपको कोई सामान है तो सुरक्षित रहता है। ये एक बहुत बड़ी आपको कह सकते हैं सुविधा है या फिर आपका सिक्योरिटी पर्पज़ भी यहाँ पर सॉर्ट आउट होता है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज वेंज करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, देन आफ्टर हमारा होगा डिनर अपने रेस्टोरेंट कार में, उसके बाद हमारा एक तरह से कहा जाए तो आज का डे एंड होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी तो मित्रों अब हमने आपको पिछली वीडियो में अपने दिखाया था एसी फर्स्ट क्लास का कि किस प्रकार से सुविधा है और अब मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं एसी टू टीयर यहाँ पर लिखा हुआ है और एसी टू टीयर में किस प्रकार की सुविधा और व्यवस्था है इस टू टीयर के डिब्बे में, भारत गौरव एसी टूरिस्ट ट्रेन के टू टीयर एसी में, यानी कि सेकेंड क्लास में क्या सुविधा है वो अब मैं आपको दिखलाता हूँ। बाकी मैं आपको बता दूँ जो वॉशरूम्स हैं वो सेम हैं यहाँ पर आपको मिलते हैं और जो एंट्री होती है जनता के रहने की, पैसेंजर्स के, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। और अब ये देखिए ये इस प्रकार का यहाँ पर आपको मिलेगा। सबसे सुंदर जो इसका अट्रैक्टिव पोर्शन मुझे जो लगता है वो ये है कि यहाँ पर आपको वन साइड में आपको सीधे सीधे बैठने का, चाय कॉफ़ी पीने का, पढ़ने का मिल जाता है एक ऑप्शन, और इधर आपको ये मिलता है जो कूप टाइप में होता है, सेम चीज़ है परंतु यहाँ पे थोड़ी सी सुविधाएं कम हैं और यहाँ पर गेट के जगह यहाँ पे पर्दे होते हैं। इसी प्रकार इसमें भी देखिए, ये देखिए लाइट आ रही है, इसे आप अपने अनुसार इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, किधर चाहिए लाइट, ये भी इसमें ऑप्शन है। और यहाँ पर इस प्रकार से आप बैठ सकते हैं, बहुत सुविधा, ये बहुत ही कुशन, इसकी देखो भाई काफ़ी अच्छा कुशन है और यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और कुछ पेपर आदि भी पढ़ सकते हैं। और ये पढ़ने की जो सिस्टम है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अपना ही बुक या फिर न्यूज़पेपर नहीं, यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए स्पेशली एक बुक शेल्फ मिलती है, पूरी लाइब्रेरी मिलती है कह सकते हैं, काफ़ी सारी मतलब यहाँ पर आपको पढ़ने का, मुझे गीता भी दिख रहा था शायद, अभी लग रहा कोई इसे पढ़ने के लिए अपने अपने केबिन या कोच साइड में ले गया होगा। तो ये सारी व्यवस्था, और इसके साथ ही ये नहीं, अगर आप दिन भर थक के आते हैं जैसा कि अभी हम लोग ऐसा थका हुआ थोड़ा फील कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा आज टूर हुआ है, कई जगह पे आपको मंदिर जैसे कि इतना लंबा लंबा एरिया होता है वहाँ पे आपको चलना होता है, तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे सुंदर जो मुझे लगता है कि एक एडिशनल फैसिलिटीज़ है सेकेंड क्लास एसी कार की हमारी, इसमें देखिए फुट मसाजर है। फुट मसाजर अपने आप में बहुत बड़ी सुविधा है, जैसे कि आप थक जाएँ, अगर आपका पैर दर्द कर रहा हो तो आपको यहाँ पर मसाज की सुविधा भी मिलती है। आप सोचिए इतनी अच्छी अच्छी सुविधा हो जहाँ पे आप पढ़ने से लेकर मसाज तक इसे मिलता है। और यही नहीं, यहाँ पर आपका अगर शूज़ गंदा हो जाए तो आप इसे यहाँ पर अपना शूज़ साफ भी कर सकते हैं। एक बार चला के देखूँ, हाँ देखिए ऐसा नहीं है कि ये खाली रखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए तो ये शूज़ जो मशीन है ये साफ़ भी करता है।
तो बहरहाल ये नॉर्मल शूज़ है, इसलिए मैं इसको खाली धूल निकालने के लिए हल्का सा कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉलिश भी कर सकता है मेरे स्पोर्ट्स शूज़ को, पॉलिश कर देगा तो मेरा साथ डिज़ाइन भी ख़राब हो जाए। तो ये है, बहरहाल इसमें लाइट जलेगा, मैं टेस्ट कर लूँ। हाँ देखिए ये लाइट भी जला, ऐसा नहीं कि आपको कुछ पुराना मिल जाए और ख़राब वराब हो, ये सब कुछ यहाँ पर देखिए लाइट मिल रहा है, तो ये सारी कुछ व्यवस्था आपको मिल रही है सेकंड एसी में। अब मैं आपको इस वीडियो में दिखलाता हूँ आगे हमारा रेस्टोरेंट कार और उसमें मिलने वाले भोजन की आज की रिव्यू। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको और दिखला दूँ कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो रूम फ्रेशनर्स होता है, तो आपके पूरी की पूरी कोच को इस प्रकार से सुगंधित भी रखने के लिए इस प्रकार से फ्रेशनर्स का प्रयोग किया जाता है, ताकि आपका जो पूरा केबिन है, पूरा कोच है, कहीं से भी दुर्गंध उसमें ना रहे और सुगंधित अनुभव आपको पूरी यात्रा में होता रहे। तो फ्रेंड जैसा कि देख रहे हैं, समय की बात करूं तो पहले मैं आपको बता दूं, समय लगभग 9 बज रहे हैं और इस समय हम लोग आ चुके हैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होके, और खाना डिनर का टाइम हो चुका है, और डिनर का टाइम तो काफ़ी पहले से अनाउंसमेंट हो चुका है, लगभग 1 घंटे पहले ही यहाँ से अनाउंसमेंट हो चुका है, परंतु अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने फ्रेशन होके, और उसके बाद अब सूप से हमारा स्टार्टिंग होता है, तो सूप सबसे पहले हम लेते हैं और इसके बाद लेंगे खाने का आरंभ करेंगे। तो मित्रों जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हमारा जो है कि प्लेट है उसमें अब सामग्री आनी आरंभ हो गई है, और अब है खाने का समय, तो अब एक एक करके अब हम सारा आइटम लेंगे और इसमें अपने देखते हैं कि आज क्या क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं पनीर की सब्जी में आज कढ़ाई पनीर आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए भिंडी की जो बड़ी बड़ी जो बड़े कट के भिंडी की भुर्जी है वो मिल रहा है, और इसके साथ और क्या क्या आने वाला है, अभी बहुत कुछ आएगा अभी तो। बनारस संतरे एप्पल जो भी आप चाहें, तो यहाँ पर आप देखिए पूरी की पूरी सामग्री है फ्रूट की, और साथ में खाना है, खाना खाने के बाद आपको फ्रूट की भी सप्लाई होती है, जैसे कि देखिए हमारे मित्रगण ने यहाँ पर ले रखा है बनाना, एक नहीं वो भी दो, तो दो बनाना आप खाने वाले आज, वो भी खाना खाने के बाद, साथ में दही भी है। तो चलिए ये कुछ इस प्रकार से खाना खाए डाइट पर ध्यान दे रहे हैं, तो मित्रों ये डाइट पर ध्यान दिया जा रहा है पूरी तरह से मतलब आप फुल कंप्लीट लीजिए, आनंद लिए। क्या बात है, ये होता है ना पूरा मन लेके जैसे आया ना, आनंद लेके जाएंगे, पूरा पूरे पैसे रिकवर करने पूरे पैसे। हाँ हाँ हो गया कमाल, अगर भैया वीडियो देख रहे हैं तो बस ये देखो, जय हो, क्या बात। हाँ जी मित्रों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब ये हमारा जो कि पूरे का पूरा जो थाली है सज चुकी है, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा मीठा, हमारे को जो सबसे फेवरेट है मीठा, मीठे में हमें गुलाब जामुन मिला है, और साथ में यहाँ पर देखिए दाल कढ़ाई पनीर है, चावल है, दाल है, साथ में सैलड है, और पराठा और भिंडी की सब्जी, तो ये सारे कुछ आज खाने में हमें मिल रहा है, और देख के ही बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि आप खाना यहाँ का वैसे ही टेस्टी होता है, और देख के लग रहा है कि आज तो और भी ज़्यादा टेस्टी खाने को मिलता है, देखते कैसा है। गरम दे दो रोटी, दे दो बढ़िया है, रोटी ज़्यादा पराठे वगैरह, रोटी कभी नुकसान नहीं करेगी, सभी कह रहा हूँ बहुत अच्छा आज का टेस्ट, मुझे और भी अच्छा लग रहा है। और बता दें यहाँ पे फ्रूट के भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप चाहें तो आप खाने के साथ साथ मीठा जो बाद में खाते हैं उसके बाद आप चाहें तो फ्रूट भी खा सकते हैं। तो हाँ जी मित्रों, खाना हमने खा लिया, खाने के बाद थोड़ा सा चेंज कर लिया कपड़ा, और इस समय थोड़े से वॉक पर निकल गया हूँ, ऐसे तो मैं आपको बता दूँ कि परमिशन नहीं है किसी भी पैसेंजर्स को बाहर निकलने का, हम थोड़ा सा स्पेशली परमिशन लेकर के आए हैं ताकि थोड़ा सा आपसे हम बात कर सकें। तो बता दूँ कि अभी हम हैं अयोध्या कैंट पे, रात के लगभग 10:30 बज चुके हैं, और अब हमारी ट्रेन का यहाँ से होने वाला है डिपार्चर, अर्ली मॉर्निंग हम कल पहुँच जाएंगे बनारस अर्थात वाराणसी, और कल का जो हमारा डे पूरा दिन होगा, जो टूर होगा पूरा वाराणसी का ही होगा, जिसमें कि संकट मोचन, काशी विश्वनाथ मंदिर और तुलसी मानस मंदिर आदि पर हमारा होगा विचरण, और वहां पर हम करेंगे भगवान के दर्शन, और कल रात हम फिर इस ट्रेन में वापस आएंगे, केवल रात में कहें तो सुबह हम उठेंगे, बेटी पियेंगे, बेटी पीते ही हमें इस ट्रेन को छोड़ना होगा, और सीधे हम पहुँचेंगे अपने अपने होटल्स में, और होटल्स के फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने के पश्चात हम ऊपर तुरंत निकल जाएंगे
अपने आगे मंदिर दर्शन आदि करने के लिए। तो कल का कुछ ऐसा प्रोग्राम होने वाला है। हाँ, मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में मैंने आपको सेकंड एसी की एक्सक्लूसिव टूर कराया और इस वीडियो में ही आपको मैंने खाना कैसा इस बूफे में स्पेशल मिल रहा है हमें एक रेस्टोरेंट कार में खाने को, वो भी मैंने आपको दिखाया है। कल की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और खास लाने वाला हूँ और दर्शन जो होगा वो तो होगा ही, उसके साथ ही इस ट्रेन के बारे में भी कल मैं आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस ट्रेन में बुकिंग कर सकते हैं, आप अपने स्वप्न के यात्रा को किस प्रकार से भारत गौरव ट्रेन से पूरी कर सकते हैं, तो यह कुछ जानकारी होने वाली है। अब मैं केवल वेट करूंगा इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर का और डिपार्चर के साथ ही अपने इस ब्लॉग को आज के दिवस में समाप्त करूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी ट्रेन है जो कि अयोध्या कैंट से निकल रही है और समय की बात करूँ तो 10:30 बजे निकलना था, 10:35 हो रहा है एग्जैक्ट और 1-2 मिनट पहले ही हमारी ट्रेन जो है कि अपना निकल गई है। हमारी ट्रेन इस समय लगभग 10:30 बजे अयोध्या कैंट से डिपार्चर कर रही है और अब हम कल पहुँचेंगे सीधे बनारस और आपको हम बनारस से एक्सक्लूसिव जानकारी और वहाँ से आगे की जो Day 3 है उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी मिलेगी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा और कल की वीडियो में यानी कि कल के दिन की जो कि जर्नी होगी वो बहुत ही खास होने वाली है। क्यों खास होने वाली है और उसमें क्या क्या मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्या जानकारी मिलेगी, ये आपको उस दिन की अर्थात कल की ही वीडियो में मिलने वाली है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल की प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत रहते हैं। हर हर महादेव।